गाइस वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अभी हम नहा लिए हैं और अभी हम वही शादी वाले घर में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब लोग नहाना वाना हो रहा है और वहाँ पे जाके थोड़ा रेडी हो लेंगे, बाल वाल काट लेंगे। मेरा गला पहले ही खराब था और खराब हो चुका है, हो गया। और ये मेरी आरोही, इसको ऊटी में नहीं चलना है, इसको जमीन पे चलना है, अपने आप चलना है। अब गोदी आ जाओ। मेरे बालों का कोई हेयर स्टाइल नहीं है, मेरे बाल धुले हुए हैं, ठीक है? कहोगे गंदा हेयर स्टाइल है। ये छोटी, यही छोड़ दो, इसको खेल लेगी। आपको खाना है? मेरा गला बैठ गया, मैं दूध पी रही हूं। कोई बात नहीं। हाँ, अरे अरे एक मुझे भी दे दे। आपको? मैं आज देगी मुझे मेरी मम्मा बेटी प्यार करती मम्मा को। हाँ, आप कोई छोटी बच्ची नहीं हो, ठीक है? अरे छोटी बच्ची, आप बड़ी हो गई हो। अपन दीदी से कुछ टाइम आप खा लो, ठीक है? आप बहुत प्यारी सी बेटी हो मेरी, आप खा लो, जाओ। मिलके खाते हैं अच्छे बच्चे, शेयर करना चाहिए सबके साथ। हैं आप लड़के खाती हो, लड़के लड़के क्यों खाती हो आप? भाभी झाड़ू लगा रही हैं क्योंकि बच्चों ने पॉपकॉर्न फैला दिया पूरे में। हे मोटू, इतने मजे से खा रहा है, इतना मजा आ रहा है इसको खाने में। देखो एक बार में भाई, इतना बड़ा मत खाए, आराम से खा ले। इसके मच्छर सही हो रहे हैं। हट जाए हम, वाय यहाँ से हट जाओ वे। चलो चलो हट जाओ, मम्मा मार डालेगी, बहुत पीटेगी, बहुत पीटेगी। आगे बोलो। देख इधर दो चाकू, ये दीदी ने बनाया है। हाँ, दो चाकू रख दो गैस पर गर्म करके। हाँ, चाकू के पीछे खोल देंगे और इन्हें निकाल दो। अच्छा, ये बहुत सारी झाड़ूआ है, देख अंदर। अरे इसके अंदर देख, ये दीदी ने बनाई है बोतल में। अच्छे यहाँ से मैं इनमें थोड़ी थोड़ी मूर्ति बना के झाड़ू करके अंदर तो भाभी अपने लिए अभी दूध बना रही है। क्या हो गया? आ जाओ ना मेरे पास, आ जाओ। ये अकेली बिचारी मम्मी बना लो, ये वाला बना रही है बढ़िया। पियोगी? मैं तो चाय पी लो, तुम पी लो। अरे दूध पी लो, एक ही चीज है, ले लियो, है ना भैया? शैतान होगी है ना, नीचे नहीं रखने दे रही भाई साहब। ऐसे खाएगी, बैग में है। इतना शैतान क्यों हो गया है तू? क्यों ढोंगे नाटक करती है यहाँ पे? अभी सब लोग नाश्ता करते हैं, नाश्ता का होता है, नाश्ता होता है। कितनी प्यारी है ये। अरे भैया आ जाऊं? आ गई, दाना ले लिया किसी ने इनका? किसने लिया? गंदे बच्चों ने। अच्छा, प्यारी कर लो इसको। इस वाली बड़ी आंटी ने उसकी मम्मी है ये, उसकी मम्मी ने डाला नहीं। अरे बेचारा मम्मी गया उसको बड़ी उस पे। डिंपल भाभी का है वो बंदर ब्लाउज ले गया, वो गोपी बहू वाला। पर दे दिया उसको, खाना दे दिया, फिर आ गया। चलो इसके कपड़े चेंज करने जा रहे हैं अभी हम। चलो चलो आरू। अरे अरे क्या हो गया भाई? तो अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। वो सो रही थी यार, उठा दी। मम्मी की चप्पल नकारी
निकाल ले। अभी सब लोग जा रहे हैं दावत खाने के लिए। मम्मी की चप्पल किसी ने तोड़ दी, ये नीचे सजा के रख दी। अब दूसरी शादी में यही होता है, मम्मी की स्लीपर टूट गई। मम्मी की, मम्मी एक और लाई है ना शायद, एक और स्लीपर लाई है क्या, ज्यादा टाइम ले लेंगी घर से। हाँ चलो तो क्या तुम इस भैंस, आप कैसे हो? अभी फोटो खींचू मैं आपके साथ पीच बेटा। भैंसी भैंसी भैंसी, ओ भैंसी इधर आ जा, ओ बस्सी। ओए बहुत मारती है, दूर रहना। बाय बाय बाय। ओए दूर दूर दूर। ओए हाँ पापा, पिताजी का कॉल आ रहा है। पिताजी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, तो अंशु भी मेरी तरह बन गई। चंचल भाभी कैसे चलती हैं? दिखाएंगे दिखाएंगे, दिखाना चेक के, बस मम्मी गिर जाओगी, मम्मी मम्मी बस गिर जाओगी। छोरी छोरी गिर जाएगी। ऐसे चले ना? हाँ ऐसे चलती है, चलती है। वो खा के आ गई सबसे पहले दीदी, रंजना दीदी आ रही, वो आ रही। अच्छा बुला के आई है, सही है, कोई कह भी ना दे गुस्सा हो जाएगी। लक्के सी रही है। अकेले अकेले खा के आ गई, बोला भी नहीं आपने, अकेले अकेले खाया ही, खाया नहीं अभी। चलो तो चलो चलो जी जी बोलो। कौन आपसे कह रही है? अरे संभल ही नहीं रहा तो, मत संभाल, वो दूसरा वाला हो रही है फिर मेरे को। तो यहाँ पे होगी शादी, अब ये डेकोरेशन हो रही है, कुछ खाना हो रहा है। आजो इधर आजो, कहाँ ढूल रही हो आप, कहाँ घूम रही हो, आजो इधर 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 आजो। जय बात, ये आ गया हमारा खाना, कद्दू की सब्जी, मटर की सब्जी। प्लेट लगा के लाई, आ जाए ना खाली, इधर आ जा। दीदी रायता नहीं लाई आप? मैं क्या रही थी, एक एक ले लो ना। आरु बोले बोल बोले दिमाग ना है बात करने। ये क्या कह रही है, हम दावत खा रहे हैं? तू बुढ़िया सी, एकदम जवान सी। मम्मी क्या कह रही है, हम दावत खा रहे हैं? हम दावत खा रहे हैं। किसने और क्या, ये दावत है, हम और ले आएंगे आपके लिए, ऐसा ही पूरा खत्म कर दो। भगवान जी का है प्रसाद, इधर से ले। अपनी भी तो कर रही है मम्मी, देखो ना शर्म आ रही है बस। खाना खा लिया और बाकी जो बचा है ना, देखो घर ले जाने के लिए इतनी सारी मिठाइयाँ रख ली हैं सब ने, इन सब ने कह रहे कि घर पे खाएंगे, घर पे खाएंगे, यहाँ पे बात करो सोना। तो भी आ गए हम यहाँ सोने के लिए, दावत खा ली, मस्त पेट भर गया। और अच्छी दावत थी, कैसी लगी अंशु? बढ़िया थी। अभी मस्त सो रहे हैं वहाँ पे, अंशु के छोटे भैया हैं वो सो रहे हैं, अंशु और आयरू और मैं, आयरू ही मेरी ये सो रही पारी पारी बेबी। ये हमारा रूम है, ये हमें मिल गया है आज के लिए, हमारे लगेज रखे हुए हैं। ओके और खुशी दीदी वगैरह मौसी वगैरह भी आने वाली हैं। दीदी आ चुकी हैं, अभी उनका कॉल आया था, अभी हम उनको लेने जा रहे हैं बाहर। हम सो गए थे बस थोड़ा सा,
आज बाहर आ जाओ जहाँ पर भी हो मैं आ स्वागत कर रही है तू मेरा तो फोन लेके तो आई हूँ मैं आपके लिए। चलो मैंने एक चुहिया है ठीक है। न्यू फियर अनलॉक। मैं लेटी हुई थी कंबल में लेटी थी भाई साहब मेरे को वहां से ये सूट फाड़ गई वो चुहिया कंबल में काट गई वो मेरे को पता नहीं चला वो तो बच एक मिनट लेगिंग भी काटी क्या नहीं तो बच गई या ये किसी और चीज से फाड़ा था पता नहीं मेरे को नहीं पता फटा कब मैंने फाड़े नहीं है यहाँ पे चुक चुक करती है और किसी से फट नहीं सकता ना ऐसे बुरे तरीके से मैं चुप लेटी हुई थी यार खाना खाने के बाद ये तूने कंबल में नहीं लिया होगा ये साइड वाइड में लटक रहा होगा। हाँ ये इधर की साइड है ना। हाँ इस साइड से है देख वो कतरन गिर रही है जंगली चुहिया है जंगली सुअर सुने थे जंगली चुहिया पहली बार देखी है राजस्थान की चुहिया ऐसी होती है बच के रहना गाइस। इट्स गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग उठ गए सो सो के एंड अब हम जा रहे हैं दोबारा शादी के घर में। इसकी फंसी थोड़ी सही हो हाँ इसके फंसी नहीं मतलब जो मच्छर खा गए थे वो फंसी नहीं थी वो वो खुशी थी एकदम से आए हम शॉक्ड हो गए। मैं नींद से उठी मैंने कहा है कौन कहाँ मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं भूल गई हम कहाँ पर है। वेलकम भाभी आ गए मंडप लग गया यहाँ पे। हाँ हमें वो दीदी मिली थी रास्ते में चलो अंदर चलो। नमस्ते बुआ। हेलो दीदी क्या चलो क्या मैं चलो मैं अब आपका नहीं लेती। आर्टिस्ट ये लगी दीदी की मेहंदी आर्टिस्ट उस हाथ में और लगाएंगे अभी हम फिर दीदी को ना एक फोटो लेनी है। कौन सी सोनम बाजवा वाली। हाँ इन्होंने शादी से 5 दिन पहले भेजी थी। हाँ 5 दिन नहीं 2 दिन पहले शादी के टाइम ही मिली वो मुझे स्पेशली। और आपको वो मिल गई जो हम बोल रहे थे। हाँ वो भी थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया ना। हम रील्स बनाएंगे पहले भी हमने रील्स बनाई थी वो इतनी आप लोगों को पसंद आई थी मिलियंस में गई थी वाली बहुत अच्छी थी वो आज भी बनाएंगे। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा है उसमें 5-6 लोग ये हमारे टैलेंटेड लोग मेहंदी लगाते हुए शुरुआत करते हुए मेरी भाभी सपना चौधरी टैलेंटेड का मतलब क्या होता है मौसी तुम तुम्हारी बहन एक जैसी हो रखी है। भाभी कल से फ्री नहीं हुए ब्राइडल के लिए मेरी देवरानी में जेठानी हूँ मैं बड़ी हूँ कायदे में वैसे भी ठीक है। चंचल काली साड़ी वाली है भैया हो जाता है मेरा भाभी बोलता है पता नहीं क्यों। ये मसाज कर रही है मेरी दीदी हाथ की बढ़िया ये अच्छा कर रही है सही कर रही है पता है आपको मेरे भी दर्द हो जाता था मम्मी इसको खाना खिला रही है बेचारी भूखी है तो पूरे जगह ढूंढ रही हूँ। देखो पहले तो यहाँ से भैंस मुंह निकाल रही थी अब ये निकालने लग रही है ढूंढ रही है कि और पूरे घर में ढूंढ रही हूँ मैं इसे। मेरे डर के मारे दबक गई और फिर मैं इतू आ गई मैंने फिर पीछे मुड़ गई ठहरे तकने लगी। कर क्या रही है बेटी मैं आ रही हूँ भैया चप्पल देना 2 मिनट मुंह गंदा हो रहा है
बहुत अच्छे। दो मिनट रुक भाभी, तुम्हारा लड़का देखो छोटा वाला। हे भगवान, तुम शादी में आई हो? दीदी दीदी पैर पे मार रही है। तुम्हारी भतीजी देखो, तुम शादी में आई हो? तो मेरा कर्मचारी है बेचारा। यहाँ क्या कर रही हो फिर?